फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबा के जामे आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआ की वजह से हम सब एकदम ठीक है। आज है फ्रेंड्स 30 जुलाई, आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं वॉक नहीं मिस करूंगी, तो सबसे पहले हम वॉक करेंगे क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ काम तो लगा रहता है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फ्रेंड्स, हाफ एन आवर की वॉक जो है वो हो चुकी है, बस अभी इतना ही हिम्मत हो रही थी। हम अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दिमाग काम नहीं कर रहा, 7th फ्लोर की चाबी से खोल रहे हैं। ये हाउसकीपिंग वाले आएंगे तो उनको बोलना बहुत अंडे जैसी स्मेल आ रही। बेटी का गंदे पानी से वो पोछा लगा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे बिना खाना खा लिया, इतना इंतजार किया, देखो 3 बज गए, सुबह नाश्ता नहीं किया था बेटा। आप बदलती जा रही हो अम्मी मेरे लिए। अम्मी? हाँ। मैं कभी नहीं बदल, मस्त हो गई मकान में ऊपर अपने, चल रही थी। चल हाँ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, अभी बस ये लोग सब खाना खा चुके हैं मेरे बगैर। इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ दिया। इन लोगों ने बनाई है चीले की सब्जी और आज ये पापा की फरमाइश थी। पापा को बहुत पसंद है चीले की सब्जी। चीले देखने में बहुत अजीब लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। बेसन है, अच्छा मसाला तो कर देते, किसी पानी पानी वाला बनाया है जीरा कम तेल की। क्या हाल है? पिछले ब्लॉग में चुप चुप लग रही थी, लोग कह रहे हैं बेटी खाला क्या हुआ है। नहीं कुछ नहीं, सही है। हाँ सही है, थोड़ा वो सर्दी वो हो गई थी ना, लोग सेम कलर हो गए फिर से। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि रिहान ने जो ब्लॉग की ओपनिंग की है वो बहुत ही अच्छी है। सब कह रहे हैं रिजा की स्माइल जो पीछे से हंसती है बहुत अच्छी लगती है। सब एक कमेंट अभी तक मैंने पढ़ा, अभी तक कमेंट नहीं आया कि चप्पल हर महीने की है। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझे घूसे नहीं खाने। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सबको बोल दो सबको सलाम। ठीक है, फ्रेंड्स अम्मी का आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाती हूँ। अम्मी भोपाल से आया था। हाँ, बापुन बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये लेस लगवा ली थी। हाँ, कम अब कितने का था पता है? कितने का था? 700 का। हाँ, तो अम्मी कह रही है हमने सलाम तो किया ही नहीं है तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम सबको, अच्छे से रहो, खुश रहो, सब अल्लाह पाक सबको अच्छा लगे। आमीन, अम्मी की दुआ। इतना खट्टा एप्पल है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खा रहे हो। नहीं लेकिन फायदा बहुत करेगा, ये मौसम वाला है, ऐसे ही आता है। लो हम भी फायदा ले लेते हैं। फ्रेंड्स आप सब भी फायदा लो, ठीक है? नए नए सेब आ रहे हैं, खूब पाओ, क्योंकि सेब जो होता है वो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तुम ये चप्पल पहन के ऊपर आए हो। फ्रेंड्स, हम फाइनली अपनी टीवी ऑन करके आपको दिखाते हैं और हम शाम को अम्मी को, खाला को, अम्मा को, सबको बुलाएंगे। हमने LG की 70-inch टीवी ली है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें काफी स्पेस जो चाहिए थी वो मिल गई है। तो ये और उन्होंने बोला कि सोनी में 70 आता नहीं है, सैमसंग में आता है, लेकिन वो 1 साल पुराना मॉडल है और ये लेटेस्ट मॉडल है। और उन्होंने कहा आप ये वाला लो, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमें हमारा 70 भी मिल गया था, लेटेस्ट मॉडल भी मिल गया था, बस ये मिल गया था। सबसे ट्रेंडिंग चीज हम लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, ट्रेंडिंग सबक है जहाँ चल रहा है। सॉरी फ्रेंड, ट्रेंडिंग चल रहा है भैया। पता है यहाँ पे कर्टन होना चाहिए तब टीवी अच्छी दिखेगी। बहुत अच्छी आवाज आएगी। ये जो नया नया अपडेट हुआ है, जैसे कि ये प्लांट था फ्रेंड्स, तो इसके नीचे हमने ये लगाया है, ये वहाँ पे ऐसे मिल रहा था। मोमबत्ती और ये जो रिजर्व ने लिया था यहाँ पे रख देते। ये कैंडल है, ये हमने पॉट जो है वो उस दिन लिया था। लैम्प जो है फ्रेंड्स, ये IKEA से लिया था, मैंने आपको बताया कल, इसमें हमने बल्ब लगा लिया है। तो अभी दिन में इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए जलाया था। रख की कमी थी हमारे ड्रॉइंग रूम में, हमें इंस्टाग्राम के एक पेज ने भेज दिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू में फ्रेंड्स जब से आया था तो इसमें मिरर नहीं था, तो कल हमने ये लगवाया। अभी क्लीन नहीं है कि कम वम है ना वो सारा लगा हुआ है, और यहाँ पे टेप भी लगा हुआ है तो पता नहीं कब खोलना है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए मैंने ऐसे वाला लगवाया, इधर भी और इधर भी। तो आप इस तरह का डिजाइन अगर आपके यहाँ कॉर्नर है तो आप लगा सकते हो, तो आप ऐसे भी दिख सकते हो और आप ऐसे भी दिख सकते हो। यहाँ पे लैम्प बचा है, लेकिन पहले वॉलपेपर लगेगा, उसके बाद हम लैम्प लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको अपना मैट्रेस दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताना बनता है। जब घर की डेकोरेशन की बात चलती है, लुक्स की बात चलती है, थीम कलर कॉम्बिनेशन की बात चलती है, तो साथ साथ कम्फर्ट की बात भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कम्फर्ट। आप जिस घर में रह रहे हो वो खूबसूरत के साथ साथ कम्फर्टेबल भी होना चाहिए। जब कम्फर्ट की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है वेकफिट का मैट्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे भाभी ने आज से 1-2 साल पहले बताया था। पापा के लिए भी यही यूज होता था, नीचे जो अम्मी सोती है वो भी वेकफिट का ही गद्दा यूज होता है, तो हमने कहा हमें भी यहाँ के लिए लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वेकफिट का जो कॉन्सेप्ट है बाय एंड ट्राई वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली क्या होता है, हम दुकान पे जाते हैं, पहले ट्राई करते हैं फिर खरीदते हैं। अच्छा, ट्राई भी क्या कैसा होता है,
कि आप गए, आपने सिर्फ ऐसे ऐसे करके देखा या फिर आप थोड़ी देर बैठ के देख लिया। अब आप लेट के तो देख नहीं सकते हो, आपका पसंदीदा कलर भी नहीं मिलता है, आपको पता भी नहीं कि जब आप लेटोगे तो आपको इसमें आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप खरीद के ले आते हो, लेकिन वेट फिट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है। आप गद्दा ले आओ, इसे 100 दिन तक यूज करो, आपको अच्छा लगता है तो रखो, नहीं तो वापस कर दो, आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है फ्रेंड्स 100 सेकंड का ट्राई एंड देन बाय वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा वेट फिट कंपनी का 100 डेज का बाय एंड ट्राई वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये मैट्रेस से कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट जनरेशन मेमोरी फोम यूज किया है, तो जब आप इस पर लेटते हो ना तो ये मैट्रेस आपके बॉडी के शेप को अडेप्ट कर लेता है। 7 प्रेशर जोन लेयर है जो एयर सर्कुलेशन को इनेबल करती है, जिससे आपकी बॉडी कूल रहेगी और साथ साथ आपकी बॉडी को जो टारगेटेड सपोर्ट चाहिए वो भी मिलेगा। इसका थर्ड बहुत ही अच्छा फीचर है हाई रेजिलियंस लेयर, जो एक फॉर्म बेस देती है आपके मैट्रेस को, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट मिलता है। और इनका बाय एंड ट्राई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छा है ही फ्रेंड्स, मतलब 100 डेज आप इसे यूज करो, नहीं पसंद आता वापस कर दो, बिना सवाल करे वो आपके आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे। अगर आपको ये गद्दा अच्छा लगा, ये मैट्रेस पसंद आया है, आप इसे लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मैंने लिंक डाल दी है और वहां पे मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिए जो कि है WakeFitSI, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। फ्रेंड्स ये रग जो है हमें बाहर डालना है, मुझे लग रहा है ये गंदा ना हो, बस तुम ही ज्यादा वाला मामो वाला है, छूके देखो तुम्हें ऐसे ही चाहिए था ना, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई ना। एक काम करते हैं, इसके ऊपर से कवर चढ़ाते ना, चढ़ा लेते कवर आते हैं अपन चढ़ा लेंगे क्या। तो ये व्हाइट वाला रग फ्रेंड्स हमने अपने टेबल के नीचे रख दिया है और अब तो और भी ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। इनका पेज मैंने इंस्टाग्राम पे टैग किया है और यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए डाल देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो। चप्पल काटती है जब तो बुखार आता है। तुम्हें 10 दिन बाद आया है तो पता नहीं क्या कनेक्शन। और तुम देखो तुम्हारी नई चप्पल ने तुम्हारा क्या हाल किया। हाँ तो मोजियों ने भी कर दिया था मेरा। फ्रेंड्स इसकी नई चप्पलों ने इसे काट लिया, हटा दो। नहीं फ्रेंड्स अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ, मेरा प्यारा सा भाई आज मेरे लिए नारियल पानी लेके आया है, थैंक यू रेहान। जू बीच की याद आ गई, जू बीच में और बड़ा मिलता है। डियर ब्रदर थैंक यू फॉर दिस वंस अगेन, वेलकम। सारी सब्जी आ गई फ्रेंड्स, सनी भाई भी गूगल पे फेमस हो गए हैं। तुम्हें कितनी खुशी हो रही है? अरे जब 1 लाख फॉलोअर्स कम्प्लीट होंगे ना इंस्टा पे तब हमें गिफ्ट मिलेंगे। उनसे मिलोगे? आपसे। घर में बनी थी चीले की सब्जी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और स्पेशली आज उन्होंने जो उसका ग्रेवी बनाई थी ना उसमें पानी वानी कर दिया था, फिर मैंने बाहर से इडली और सांभर मंगाया। ये लोग सांभर बनाते हैं और देखो कुछ भी नहीं, एक ही बस सब्जी देते हैं। ने लिया चम्मच, ये ली हमने चटनी, पाया इसमें सांभर और ये लिया हमने खा। किसका फोन है अम्मा? कंपनी। कंपनी क्या कह रही थी? चलो ना तुम कहाँ, मार्केट पॉइंट रुक जाओ, पहले बंद कर दे। आज मैं पहली बार मटर पनीर बना रही हूँ, वो भी बिना रेसिपी देखे हुए, और अभी मैं बीच बीच में मटर खा रही थी तो मैंने कहा आप सबसे भी बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी मटर की कोई चीज बनाते हो तो साथ में कच्चे मटर भी खाते जाते हो। जहाँ तक मुझे याद है फ्रेंडशिप डे अगस्त के 1st संडे को होता है। तो पूरे लोग स्टेटस क्यों लगा रहे, पूरे स्टेटस क्यों लगा रहे, आज के दिन लोग मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं नीचे भी, तो फिर कैसे लोग फिर आज? पता नहीं, ये देखो नेट पे भी 30 जुलाई दिखा रहा है। आपने खाए छीलते हुए मटर? चटोरिया थी खाली ने से बकर बकर खाती रही, मटर इस चीज की कोई कंट्रोल नहीं कर। सही बात है, यूँ चलता है बेटी खाला। बोनी वाले लड्डू मंगा दे, ठीक मुझे भी ऑरेंज वाले, ऑरेंज वाले। बहुत ही चटोरा खानदान है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा चटोरा चटोरा। देखो चटोरेपन की शुरुआत यहाँ से हुई है, जो बैठी है यहाँ से लेके यहाँ तक मोदी जी का ऑरेंज वाला। यहाँ भी मूल लड़की है, चटोरी है। हम लड्डू नहीं खाएंगे लेकिन हम मटर गाजर की चीज खाएंगे। चलो अभी ये जो प्याज और टमाटर है ना इसको अभी हम पीसेंगे फ्रेंड्स, बड़े बड़े रखो ना फ्रेंड्स। रिजा को आज मैंने उसका फेवरेट काम दे दिया, हैप्पी। अच्छा है हाँ। इसको दही निकालना, पनीर काटना, केक काटना बहुत ज्यादा पसंद है। अबे यार बहुत चिपक रहा है, चिटक रहा है पनीर फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ज्यादा उचक रहा है, पूरा गरम गरम पानी और तेल हाथ में आ रहा है। देखो मैं इसीलिए इससे नहीं कटाती हूँ, कितने बड़े बड़े पीसेस काटते हैं। एक ही दे देना ना, क्यों दो देना, नहीं उसका टेस्ट नहीं अंदर जाता। तुम सोने में भी ये चप्पल पहन के सो जाना ठीक है। तो अभी हम लोग केक लेने आए क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे। प्लीज सही टाइम पे
फ्रेंड्स पीछे बैठ के केसरिया गा रहा था और कुछ भी ऊट पटांग अतरंग की लिरिक्स गा रहा था और मैंने बोला सुनाओ तो कह रहा है मुहर्रम चल रहा है। वैसे सही बात है, मुहर्रम में हम 10 दिन गाने नहीं सुनेंगे। तो क्या आपको क्या लगा, सो रहा हूं? एक्टिंग कर रहे थे, रिजा कोपट हो गया। चलो रिजा सोती है ना। हाँ रिजा सोती है तो उसको कह रही है। चलो लेके आते हैं लड्डू, 1 किलो ले लो, आधा किलो। ग्रोसरी का सामान भी लेना था लेकिन बहुत लेट हो गया, भूख भी लग रही है, तो हमने कहा चलते ही कल ले लेंगे। अभी बस हम मिठाई विठाई लेके आ गए। सब लोग कहाँ है? माँ सफाई चल रही है यहाँ पे। आपके पसीना है? बर्तन धुले। अम्मी अपने नहीं, पेट में तो पानी है। वो नहीं, वो तो बर्तन धोने मेरे होता है। बेटी खाला कहती मैं नमाज पढ़ने जा रही, तो मैं कसम बर्तन नहीं धोना। बेटी खाला गई नमाज पढ़ने, मैंने पूरे फिर भी सलाम फिर के आई। नहीं नहीं अच्छा है ना बेटी खाला, सेहत के लिए काम करना जरूरी है। बाद में आराम से धो ले। नहीं चलो खाना खाए, खाना खाए। सब द ग्रेट शेफ ने इतना अच्छा पनीर बनाया है तो सब लोग खाएंगे। अम्मी हमें मिठाई की दुकान पे बहुत ही प्यारे से हमारे YouTube के लोग मिले थे, उन्हें देख के यकीन नहीं हो रहा था कि हम है, क्योंकि हम कैमरे में बहुत बदसूरत लगते हैं। हाँ उन मोदी ने बोला था, उन्होंने बोला था कि सामने कलर अच्छा लग रहा है और बहुत क्यूट लग रही हो कैमरे से, मतलब कहते यकीन नहीं होता कि तुम ही हो, अच्छी हो तो सामने से अच्छी हो, सामने से अच्छी हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझे कैमरे में देख के बोलते ना सब अच्छी नहीं है तो आप लोग सब मोटी, अरे तब भी नहीं पकड़ पाऊंगी अभी मोटी मोटी करता रहता है। बिल्कुल मोटी नहीं हूं। देखो माँ तो हमेशा यही कहती है, बहुत अच्छी है बेटा। देखो मेरी प्यारी से अम्मा ने कहा बहुत अच्छी है, देख तो ये देख ये देख, लेकिन अच्छा चेहरा हुई धक्का है, बहुत अच्छा लगा। चलो खुशी है खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं खाना खा दूं? अपने खातिर लाओ कहाँ है, यही मिले। हमने तुमसे कहा था कि कार से उतर के चलो, तुम नहीं चले, आज यही खाए। वो नहीं है इस मोटा नहीं नहीं। किसने कहा? तुम ही बोलते हो छेने में नहीं, तो सुनते चले आ रहे बचपन से। दादा हो नहीं सकता था मोदी चूर के लड्डू ना लाओ। सारे अम्मा आपका खजूर, सॉफ्ट वाले खजूर मांगे थे ना, और ये अम्मा, ये दोनों का है, मिलके खाना, ध्यान लड़ाई नहीं करना। रोटी आपका फेवरेट साबूदाना? बहुत पसंद है मुझे रिजा, और मेरे फेवरेट। अच्छा ये ये कुछ नहीं ले रही थी, मैंने कहा तुम अपने लिए पसंद करो, तो फिर उसने ये पसंद किया। चलो सही है। पनीर के पापा ने बुराई तो नहीं की? नहीं पक्का? कुछ तो तेल तो मैंने उसमें होता है, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो सबा द ग्रेट शेफ ने आज बनाया है मटर पनीर, वो भी पहली बार। खुशबू अच्छी आ रही है। चलो सब लोग बाद में अपना प्रीव्यू देना, अभी बहुत तेज भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स अम्मी उंगलियां चाट गई, सच में बहुत अच्छा लगा। सही है, चटपटा मिल गया। सही है बेटी का, बहुत अच्छा लगा। बेटी हालांकि पनीर पसंद भी है और रिजा को भी पसंद। सही है अम्मा, अच्छा है, बहुत अच्छा। स्वागत है आप सबका सभा के जहां में, आपका स्वागत है। स्वागत है। मम्मी ये आया था कारपेट। अच्छा ये अच्छा, कितना बोला है। मम्मी मैंने कहा इसको पन्नी डाल देते। नहीं सही है, जब कोई आया तो डाल दो। हाँ अभी उठा देंगे, नजर नहीं लगे। टीवी तो देखी देखी सबसे पहले आज तो कुर्सी कर ले आऊंगी। और ये पौधा देखो यहाँ पे रख दिया। हाँ यहाँ सही है, अभी अंदर भी दिखाती हूँ। ये देखो टीवी अच्छी लग रही है, ताकि इसको पर्दा है। ये तो बैठ जाओ, खुली खाओ, कोल्ड्रिंक पियो, पूरे ताकि इसमें बैठ जाओ। एक चीज अपने जगह पे ठिकाने पे रखी है हर चीज, और जितनी मेहनत तुमने एक साल बेटा किया, तुम्हारा सब उसूल सब टेबल बता दो, बड़ा वाला नहीं लिया। नहीं नहीं तो सही रहता, छोटा ये सफाई में उठा के रख दो के। झूमर ऑर्डर हो गए, आ जाएंगे। बस ज्यादा नहीं घर में, बस अब कुछ नहीं, बस मेरा कप रखा है। हाँ ले जाना अब अपना कप। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी है, अच्छा है, लैम्प लड़का होता। अच्छा, अच्छा बता। ये देखो डस्टिंग तुम किया करो, ठीक। तुम्हारी कॉफी हाउस बहुत अच्छा है।
सालू, तभी तुम भग भग के ऊपर आती हो। अरे बहाने से सालू ऊपर आती हो, अभी आती हूँ थोड़ी देर। नहीं अभी मैं काम के लिए आती हूँ, मुझे नीचे भी अच्छा लगता है। हाँ नीचे भी अच्छा लगता है। कैसे? बहुत अच्छा लगा था बेटा, कहा बताऊँ। जिसने जिसकी ये मेहनत है सबकी सबकी सबके लिए अम्मी के दिल से दुआ निकलेगी की बहुत मेहनत से दिल से सबने सपोर्ट किया। सबने हाँ सबने सबने मेहनत, यहाँ तक की संतोष भैया ने भी सबने। आपको पता है की मुझे हमेशा से व्हाइट बहुत पसंद है, और मुझे खाली पसंद है, मुझे ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे जगह कम थी बेटी का, हाँ, इतने हाँ। इतने लगे, लेकिन हमने दोनों साइड लगवाया। सही अच्छा, गुलदस्ता था कि यहाँ रख देना, ठीक पहले साफ करना, एग्जॉस्ट आएगा वहाँ पे। अभी खुला है क्या? हाँ, इसमें जाली लगाना, ठीक है, छुपकू लगा जाएगी। हाँ इसको जल्दी लगवा पहले, ठीक है। देखो अम्मी ने कमी बताई ना, अम्मा अच्छा है, देखो बाथरूम चल के देखो, बहुत अच्छा है। दुनिया दिखाती है, जब हथोड़ी तो कुछ नहीं दिखाता। कह रही मोर यहाँ नीचे कुछ नहीं दिखाता, सालू कहाँ से दुनिया दिखाई दे रही है। वॉलपेपर आ जाएगा बेटी का परसों, यहाँ पे अम्मी बस इस दीवार में, नहीं 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 ये सब सादा सही है, ठीक है। अम्मी जो तो चप्पल की बताओ, सही है ना? ठीक ये ऐसे, ठीक है अच्छी है। और व्हाइट मिल गई थी, रुमाल लेके आना, पाँच छह रुमाल बेटी मुलायम वाली। अम्मी तो मतलब अम्मी है, मतलब मैं सामान दिखा रही हूँ, सबकी धूलें निकाल रही है। नहीं सही बात है फ्रेंड्स, हमें सफाई के लिए किसी को रखना पड़ेगा। एक्चुअली हमने जिसको रखवाना था वो थोड़ी सी बिजी है, तो उन्होंने कहा वही काम स्टार्ट करेंगे। अभी अम्मी अभी वाला रूम देखो, अब इसमें थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा आ गया है। इधर लगेगा, हाँ आईकिया जाएंगे तो ऐसा एक छोटा लेके आएंगे हम, ये जो बड़ा है ना इसका आधा, तो वो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे कुरान शरीफ आ जाएगी। लग रहा है कि यहाँ बम्बई में खड़े हैं। छोटी छोटी कार दिख रही है ना नीचे, दिख रहा था मुझे थोड़ा से। नहीं डर, चलो आ जाओ। कैसी कुर्सी? बहुत अच्छी कुर्सी, ले जाना। लैम्प कैसा है? मुझसे बन जा, छोटा भी तो होना चाहिए, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं। गोल्ड बटन रख दिए ना? हाँ। इसमें लिखा है सबा और खालिद, ठीक अच्छा है। हाँ। सही है ना? हाँ। दोनों का नाम किसने दिया? भेजा किसी ने। हाँ। कितने मोहब्बत करते हैं अम्मी। हाँ। आज है क्या? नहीं ये पता नहीं उन्होंने ऐसे शेप की क्यों बनाई है। तो तुम पहली बार आई हो? पहली बार। जब हमने ये घर खरीदा था अम्मा उस दिन आई थी, और उसके बाद फिर इस बीच में अम्मा कभी भी नहीं आई, और जब रेडी हो गया है तो अम्मा अब आई है। अम्मा इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। अभी बस ये किचन बचा है फ्रेंड्स ठीक करने के लिए, बाकी सब हो गया। कल हम सोच रहे हैं कि इंडक्शन ले लेंगे, ताकि अगर ऊपर ग्रीन टी या कुछ भी बनाना है। खाने को कुछ नहीं है, बस केक है। खुश हो गई बेटी माशाल्लाह, देख के तभी सच में, बस अब कुरान खाने करवा लेना कभी। हाँ। हमारा केक भी देखो, हमारे घर के थीम के हिसाब से गोल्डन फुल्का हो गया है। और ये केक आज रजा की फरमाइश पे स्पेशली, क्योंकि वो कहती फ्रेंडशिप डे है, तो शालोट पे केक काटेंगे, तो अभी अम्मी के लिए मुहर्रम है, तो थोड़ा सा अवॉइड करो। तो हम लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते, तो हम इसे ऐसे खा लेंगे। सब लोग, ये आज दोस्तों का दिन है, तो हम सब लोग दोस्त से बैठे हैं, है ना? ये केक हम सबकी दोस्ती के नाम, ठीक है, और इस घर की खुशी के नाम, बस हम लोग इसे काटेंगे नहीं, ऐसे खा लेंगे, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। लो भैया, हमारे घर पहली बार ऐसे आए, तो मैं बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकते हैं? चाय है की और कुछ झूठ ले चले, अम्मा तो नहीं पिलाओ, पियो खाली, पियो चाय पियो खाली। चलो पीले, चलते रहो। तो यहाँ बैठ के बस बातें ही कर रहे थे, भाई के एकदम से बोला शालू बेटा आओ ना सेकंड फ्लोर पे, उनको लगा हम फर्स्ट पे होंगे। हमने क्या हो गया, मैं इतनी सी बात पे फ्रेंड्स मेरा दिल है ना धड़कना बंद करने लगता है। उन्होंने बोला देव भैया का बर्थडे है, सब लोग चलो चलना है। बस वो बैल है अंदर से, कुर्सी लगा अंदर से लगा देना। मेरा खानदान लिफ्ट में भर गया, अब लिफ्ट ही जवाब दे देगी। अरे तो अरे 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 टूट नहीं जाएगी लिफ्ट। फ्रेंड्स सब ऐसे डर डर के भाग रहे हैं कसम से। अम्मी 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 जान इतनी प्यारी होती है, हम वो धक्का देंगे की आगे निकल रही है। लिफ्ट सबको डर लगता है। हाँ ये तो है। लिफ्ट की हैप्पी बर्थडे टू यू।
आज का खुशियों भरा दिन, खुशियों भरा ब्लॉग खत्म होता है। देव भैया को फिर से हैप्पी बर्थडे। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।